गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि मैंने वीडियो किस बारे में बनाई है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी फ़ोटो को रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी मेमोरी को, उसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ भी आप CV अपनी भेजते हैं तो आप 30 KB मांगते हैं, 50 KB मांगते हैं, मगर ये रिज़र्व तो कैमरा करता है। रिज़र्व मतलब आप तो नहीं रिज़र्व करके कह सकते यार मेरे फ़ोन में ये पहले मेमोरी इतनी की हो, आप कर सकते हैं, मगर वो आप डिफरेंट टाइप के वो कम कैमराज हैं, मतलब जो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, तो आपको मतलब अफोर्ड नहीं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मतलब आप एंड्रॉयड पे आ चीज़ इस दौर में एंड्रॉयड पे हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह अपनी जो 2 MB की फाइल है, मतलब कि 2 की फ़ोटो भी है, तो आप उसको रिड्यूस करके 30 KB बना सकते हैं, 20 KB बना सकते हैं, मतलब उसकी रेजोल्यूशन, उसकी फ़ोटो के जो रिज़ल्ट है मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई फ़र्क नहीं ज़रा का। तो जो आपको ऐप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो ऐप है फ़ोटो एंड पिक्चर रिड्यूसर या रिसाइज़र। तो फर्स्टली आप इसको ओपन करूँगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो फर्स्टली मैं यहाँ पर आपने वीडियो सेलेक्ट, वीडियो भी रिड्यूस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, टेक अ फोटो या फोटो लेके आप भी कर ले सकते हैं, या फोटो आपने पहले सेव की है उसका कर सकते हैं। फोटो मैं जो मेरे फ़ोन में है तो मैं उसको रिड्यूस करना चाहूँगा, तो यहाँ के मेरे फ़ोन में तरह तरह की फ़ोटोज तो मैं उसे कैसे रिड्यूस करूँगा। ये फ़ोटो मैं अपने यहाँ से ले लेता हूँ, अपनी यहाँ से फ़ोटो रिड्यूस होकर आ जाएगी, तो फोटो मैं क्रॉप करके देख लेता हूँ। फ़ोटो जो मेरी क्रॉप करके मैं देखता हूँ, मतलब कि हाथ भी मेरे नज़र आ रहा है, तो मैं हाथ को बचाऊँगा यहाँ, तो यहाँ से मैं ऐसी कर लेता हूँ, ऐसी फ़ोटो कर लेता हूँ यहाँ से, फिर मैं क्रॉप हो गई तो यहाँ फिर शो हो गई डेटा के बाद, तो ये देखें सेविंग 1.7 MB। तो मैं जाऊंगा रिसाइज़र पे, रिसाइज़र ऐसी चीज़ है, मतलब फर्स्टली आप पहले साइज़ देख लें, 1.2 MB की फाइल है मेरी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे रिसाइज़र जाऊंगा, रिसाइज़र पे मैं जाऊंगा, क्या करूंगा इसका फाइल का जो साइज़ है, फाइल का साइज़ जो मैं 30 MB करूंगा, 30 KB करूँगा, तो देखें वो 1.2 MB की फाइल अब किस तरह चेंज हो जाती है। मतलब कि आपने वो फ़ोन में कैमरे में वो फ़ोटो खींची है तो आप ये देखें 29 KB की बन, मतलब कि जो बनती है 30 KB की वो 28 KB बन सकती है, 29 KB, 30 KB, मतलब कि जो उसमें खासा फ़र्क नहीं है। मतलब आप इससे अच्छा और भी कर सकते हैं, जब यहाँ पे आप विड्थ भी अच्छी करेंगे, रेजोल्यूशन अच्छी करेंगे तो प्रिंट करेंगे तो वो भी ठीक हो और करेक्शन आ जाएगी इसमें। तो फर्स्ट ये वाली हमारी फ़ोटो ये हमारी तैयार हो गई है, तो मैं फ़ोटो का ये यहाँ से मैं ये फ़ोटो मेरी, तो मैं यहाँ से एक व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म ये भी मेरा अपना नेटवर्क फर्स्टली ओपन करूँगा मैं अपना, यहाँ पर मैंने डेटा ओपन कर लिए, तो मैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म में किसी पे सेंड कर दूंगा, यहाँ पे सेंड कर के मतलब आप किसी दोस्त को यहाँ पे किसी को सेंड कर सकते हैं, जब भी सेंड करेंगे तो मतलब कि उसको फ़ोटो मिल जाएगी। तो आपके कोई भी आप करेंगे गवर्नमेंट जॉब, जैसे ASF में हाल ही में मैंने ASF में जॉब के लिए अप्लाई करना था, तो मैं वो फ़ोटो को मतलब 30-40 बार खींचे वैसे फ़ोन को, मतलब कि वो मुझे मेरा मसला हल ही नहीं हुआ, मतलब कि मैं टाइम घंटा डेढ़ लेट हो गया उस चीज़ से। फिर मेरे जहन में थोड़ी दोस्तों ने मैंने गाइड किया, तो इस बारे में तो मैं फर्स्ट कर कहता हूँ कि जो मुझे चीज़ पता चल गई, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को वो भी पता चल जाए। तो यहाँ पर लोडिंग हो रही है मेरे फ़ोन की, तो मैं यहाँ से मेरा नंबर, ये मैंने अपने फ़ोन में दूसरा व्हाट्सएप बनवाया है, तो मैं यहाँ पर ये फ़ोटो सेंड कर रहा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं फ़ोटो सेंड करूँगा, जब यहाँ पर टिक लग के आ जाएगी, जब टिक होगी मतलब कि मेरे फ़ोन को मिल चुकी है, तो ये देखें मेरे फ़ोन में आ चुकी है फ़ोटो। तो यहाँ के साइज़ भी आपने पता जैसे करना है, फाइल करेंगे, फाइल ऐसे किस तरह करेंगे, तो देखें ये साइज़ का आपको ये साइज़ जो ऊपर पता चल गया 29 KB, इसके 29 KB की फ़ाइल है, मतलब ये नहीं कि आप करेंगे डाउनलोड करके तो कहेंगे यार वो KB भाई आपने बताइए वो तो 29 से ज़्यादा होगी, या कोई मतलब 30 KB की चाहिए वो 29-28 के बारे में, मतलब कि एक आध चीज़ का वो फ़र्क डालेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो सेव कर सकते हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड कर सकते हैं, तो आप
मतलब ये कहने का ये मतलब है आप किसी चीज़ के अप्लाई करेंगे तो आप कैमरे के लिए मतलब मुश्किल कैमरा नहीं लाएंगे यार, इसका ये के बी इतनी के बी की फाइल में फ़ोन में सेव हो। मैं देखें और रिजल्ट में जो फ़ोन में पहले 1.2 के बी एमबी की था का साइज़ का था, अब वो मैंने 29 के बी में ला लिया यार, मेरा फ़ोन की मैंने स्टोरेज को रिड्यूस कर ली है। तो ये थी मेरे वीडियो बनाने का मकसद और वीडियो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। तो वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों में शेयर करना। अगर आपको कोई फ़ायदा देती है या तो लाइक कर देना, ना फायदा देती थी तो कोई भी लाइक करने का कोई फ़ायदा नहीं यार। तो आपके लिए वीडियो बनाते हैं यार, जब आप मतलब कि खुद जब हमको ये एक्सपीरियंस हो गया यार, हम इस किस मुश्किल में जब गुजर रहे हैं तो हमारे को इस चीज़ फेस करनी पड़ी। तो मेरे दोस्तों को व्यूअर को यार वो यूट्यूब पे सर्च करने हमारी वीडियो यार आज है, हमारे दोस्त किसी और की यार आज फोटो मतलब कि आपको जो हेल्प देती है तो आप देख लें। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगती हो मेरी। तो अब तक मेरे मुझे इजाज़त दीजिए अपने होस्ट और दोस्त को तैयब को। तो तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मुहाफिज़।